रवि नारायण बेहरा एस सी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी एम पी नहीं मैं ये हूँ उत्तर प्रदेश मान्यवर राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता माननीय श्रीयुक्त मिथिलेश कुमार कठेरिया महोदय एवं सांबादिक सम्मेलन उपस्थित अच्छा आमर अनुसूचित जाति मोर्चार प्रदेश अध्यक्ष तथा मान्यवर सांसद देव प्रसाद तराई एवं पार्टी वरिष्ठ उपसभापति माननीय गोलक महापात्र महोदय अनुसूचित जाति मोर्चार प्रदेश साधारण संपादक तथा मान्यवर सांसद रवि नारायण बेहरा महोदय मान्यवर न्यायालय विधायक छपी मल्लिक महोदय एवं अनुसूचित जाति मोर्चार नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अंदर प्रभारी माननीय सुशांत मल्लिक महोदय मु निवेदन करी देश में जो आरक्षण राजनीति को लेकर राहुल गांधी जो संरक्षण विरोधी मनोभाव देखते विदेश जा भारत को निंदित करने सहित से संपर्क में विस्तृत बरणी रखा आज सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करने मान्यवर सांसद मिथिलेश को निवेदन कर आज भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता में आए हमारे साथ यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय विभू प्रसाद जी अनुसूचित मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा में माननीय सांसद लोकप्रिय आदरणीय रवि नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय गोलक महापात्रा जी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और आंध्र के प्रभारी सम्मानित नेता सुशांत मल्लिक जी उड़ीसा के ही बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय श्री छवि मल्लिक जी और इस सभा का संबोधन कर रहे स्पोक्समैन आदरणीय दिलीप मल्लिक जी तथा यहां पर आए सभी मीडिया के बंधु आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव के टाइम पर किस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देश के सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे। पूरे देश में उन्होंने भ्रम फैलाया और अभी हाल में जब वो अमेरिका गए तो आप सबने सुना होगा किस तरीके से उन्होंने अमेरिका में कहा कि जब हम सरकार में आएंगे पावर में आएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। कांग्रेस की नीति रही है हमेशा कि हम ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करें और इनको दबे मजदूर किसान की तरह इनका उपयोग करें। मित्रों राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने
कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं जताई। आपको याद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू सरकार में सन 1956 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने की जो काका कालेकर की रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। काका कालेकर जी ने कहा था कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन नेहरू की नीतियां थी, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। नेहरू जी ने 1961 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके आरक्षण से अक्षमता और दोनों दर्जे का मानक पैदा करने का पत्र लिखा था कि हम आरक्षण दे रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं है, इनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के लिए संविधान जो बनाया था उसको लागू करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने किया। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था 1952 में लोकसभा चुनाव में, और 1954 में लोकसभा के उपचुनाव में उन्हें हराने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी एससी एसटी और ओबीसी को संविधान के माध्यम से आगे लाने का काम कर रहे थे, तो कांग्रेस को पसंद नहीं था कि एससी ओबीसी और एसटी के लोग सामान्य जीवन दिए और समाज में अच्छी अपनी पहचान बनाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो धारा 370 और 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों बाद सामाजिक न्याय अब सम्मान दिलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार अब जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको बड़ी जानकारी एक हर्ष होगा कि हमारे एससी समाज को 7 और एसटी समाज को 9 सीटें पहली बार वहां पर एमएलए बनने जा रहे हैं। अभी तक वहां एससी एसटी का कोई एमएलए नहीं था, ये कांग्रेस की ही नीति थी। धारा 370 हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर भी 24 सीटें तैयार की गई है और उसमें 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कर दी गई है कि इनको हम पहली बार विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा करके संविधान को कुचला था। 66 से इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद 1966 से 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन करके और 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8वां संशोधन हुआ। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण देने का काम किया, 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूचित प्राविधान में संशोधन करके उस काम को किया, 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के आरक्षण के लिए 10 साल का विस्तार किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संशोधन जो किया उसमें एससी एसटी को अगले 10 वर्षों तक राज्य सरकारों में
और लोकसभा में आरक्षण देने को लागू रखने का काम किया। 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार दिया। जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी बने थे तो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को एसटी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण के माध्यम से हम बुद्धों को बढ़ावा देना नहीं चाहते। हमको गाली दी, हमको बुद्धू कहा, दोयम दर्जे का काम कांग्रेस ने देने का काम किया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया। 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के खिलाफ था। बाबा साहब ने किसी भी धर्म को आरक्षण देने की बात नहीं कही थी, उन्होंने केवल एससी एसटी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से एससी एसटी और ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया है और कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया, जामिया मिलिया 2011 और एनयू 1981 जैसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार किया।